Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture 3 of criminology. Whoever is online, just follow the same old procedure where I need you to update me about my audio and my screen. Assalamu alaikum, ma'am Amara. I'm good, everyone. Ek do minute ka wait karte hain, uske baad I'll begin. Ma'am Amara, I'm good. मैम आपके भी लेक्चर का वेट रहेगा इस ग्रुप में योर गाइडेंस फॉर द सीएसएस एस्पिरेंट्स एंड कैंडिडेट्स आई होप यू गाइस कैन हियर मी इफ वन ऑफ यू कुड लेट मी नो My audio and my screen, all of that. मैम आपसे बस फोन पे राबता करते हैं मजीद इस पे Okay, I think we should start with our session. 6 ho gaye hain aur as people would join, we continuously log aate rahenge, lekin it's 6. So I guess I should formally start with my lecture. Okay, perfect. Okay, guys. So today we are going to commence with our lecture 3 of criminology. और पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 1 को पूरा किया सेक्शन 1 को हमने दो पार्ट्स दो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया था इसी तरह जो सेक्शन 2 है इसको भी मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है पहला जो पार्ट है आज का क्रिमिनोलॉजी का ये मैं आपके सामने इसका बता रहा हूं कोर्स आउटलाइन इसके अंदर हम बेसिकली जो करेंगे You could say juvenile delinquency and juvenile justice system. Part one के अंदर हम लोगों ने अपनी basics बनाई थी और tools जो जो चीजें necessary हैं चीजों को समझने के लिए आज हम इसके through जैसे कि juvenile delinquency हो जाती है इसके अंदर हम part one का implied system पढ़ेंगे सारा. So this is the part. Juvenile delinquency and juvenile justice system. जो justice system है उसको हम detail में पढ़ेंगे, जो कि भी इसके part two में आएगा. लेकिन this is just the course to give you a hint कि what we are going to be doing today. दो parts हैं इसके. Okay, without further ado, let's dive deep into our topic. सबसे पहले हम अगर शुरू करें juvenile delinquency को, सबसे पहले तो हम basics बनाते हैं कि juveniles क्या होते हैं, delinquency क्या होती है. What is the concept of juvenile delinquency? Or basically, we are just going to create the basics, or you could say the platform, ताकि हम इस section के अंदर आराम से इसको जाके समझ सकें. तो सबसे पहले let's talk about delinquency. What is delinquency? Delinquency आप समझ लें, it is basically a minor crime, or usually a crime committed by a minor. कोई भी ऐसा crime जिसकी जिसको commit करने वाला माइनर है या क्राइम की नेचर माइनर है इट इज कॉल्ड एज अ डेलिक्वेंसी अ डेलिक्वेंट एक्ट जुविनाइल कौन होता है जुविनाइल वो बंदा होता है या वो पर्सन होता है जो कि बाय लॉज माइनस 18 यानी 18 से लेस होता है जो हु इज लेस देन 18 इयर्स ओल्ड यानी हम जुविनाइल को एडल्ट कंसिडर नहीं करते वी डू नॉट कंसिडर जुविनाइल एज एन एडल्ट
तो जुवेनाइल एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम माइनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि ये एक 18 इयर्स की एज पे नहीं गया हुआ, यानी इसको हम एज एन एडल्ट नहीं ट्रीट कर सकते, उस इंसान को जुवेनाइल कहते हैं. अब अगर हम इसको हाईलाइट करके ये देखें कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, सो सिंपली जस्ट पुट दिस डेफिनेशन टूगेदर एंड वी हम ये कहेंगे कि ऐसा क्राइम जो कि कमिट हो रहा है किसी ऐसे बंदे से जिसको एडल्ट कंसिडर नहीं किया जा रहा. क्राइम की नेचर भी छोटी हो सकती है जो अगर वो डेलिक्वेंसी है, लेकिन ऑल एंड ऑल वी आर गोइंग टू से व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज दैट जब आपका क्रिमिनल लॉ किसी ऐसे बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होता जो कि ओल्ड इनफ ना हो टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्रिमिनल एक्ट. लेट सपोज पर्सन ए है, पर्सन ए, और हमने पढ़ा था कि सोसाइटी के अंदर लॉज होते हैं, रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब कानून 18 साल से ऊपर तक के ज्यादातर लोगों पे आयद होता है, जिसको हम जुर्म भी कहते हैं. सो समटाइम्स व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ पर्सन, और अगर वो पर्सन एक लीगल एज यानी 18 साल की एज से छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट, कि ये एक कम उम्र इंसान ने, लड़का या लड़की, उसने क्राइम कमिट किया है, और इसके ऊपर हम जो एडल्ट क्रिमिनल लॉ है वो हम इसके ऊपर आयद नहीं कर सकते. जुवेनाइल्स पे एडल्ट लॉ नहीं लगता, और यूजुअली जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये 18 साल की होती है कि 18 साल से कम की. सो दिस इज लाइक द बेसिक्स, व्हाट इज अ जुवेनाइल, व्हाट इज डेलिक्वेंसी, व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉज के लिहाज से पाकिस्तान में क्या कंसिडर की जाती है, दुनिया में क्या कंसिडर की जाती है, बट दिस वॉज जस्ट अ फूड फॉर थॉट. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा हम इसको अब फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि व्हाट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आप यूं समझ लें कि इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं डेलिक्वेंट बिहेवियर को, कि कोई भी डेलिक्वेंट है, उसका किसी भी किस्म का क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर हम उसको डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और फॉर्मल डेफिनेशन एक और जो है वो ये है कि एक्शंस दैट वायलेट द लॉ कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज अंडर द लीगल एज ऑफ मेजॉरिटी. तो कोई भी अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की पढ़ लें, तो एक जो कॉमन फैक्टर हम सब जो देख रहे हैं वो क्या आ रहा है कि उसकी एज का जो फैक्टर है, सिंपली जो एज के फैक्टर में हमने बोला कि जो 18 ईयर्स से कम है वो बंदा कौन है, वो जुवेनाइल है. और अगर वो 18 ईयर्स की कम एज में कोई क्राइम कमिट कर रहा है, we basically call that as juvenile delinquent. वो लॉ को वायलेट करना एक कम उम्र के अंदर. सो ऑल एंड ऑल हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बेसिस बनाई और हमने उसके अंदर फैक्टर्स ढूंढे. पहला फैक्टर क्या है कि जो क्राइम कमिट करने वाला है वो 18 साल से कम का है. सेकेंड नंबर क्या, क्राइम जो वो कमिट कर रहा है वो वही लॉ है जिस जो सोसाइटी के अंदर सबके लिए बना हुआ है. और थर्ड फैक्टर क्या है कि हम उसको एज एन एडल्ट नहीं कंसिडर कर रहे, जो भी जुवेनाइल है. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर हम उसको एडल्ट नहीं कंसिडर कर रहे तो फिर उसके लिए कौन से लॉ है. वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट ऑर्डिनेंस, वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट लॉज एंड एक्सेट्रा विच आर पर्टिनेंट टू द जुवेनाइल्स. इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है आपके जुवेनाइल्स के बारे में. अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर सेकेंड लेक्चर था, उसके अंदर आप लोगों ने, मैंने आपको क्राइम का पर्सपेक्टिव इस्लाम के थ्रू बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको हदूद के बारे में बताया, मैंने आपको किसास के बारे में बताया, मैंने आपको तज़ीर के बारे में बताया. उसके अंदर जब मैंने आपको इस्लामिक लॉ के बारे में थोड़ी सी जब बैकग्राउंड दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इस्लाम के अंदर जब हम कहते हैं कि कोई भी एक्शन सिन है या क्राइम है, वो कब होता है, जब वो 5 इंडिस्पेंसिबल्स को क्रॉस करता है, लाइफ, इंटेलेक्ट, प्रॉपर्टी, ऑफ स्प्रिंग्स एंड एक्सेट्रा. तो इस्लाम के अंदर भी जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का जो एक्ट है वो बेसिकली इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है.
this was just a sort of a feedback in a sense. Main aapko thoda sa backside se thoda sa concept main aapko relate karwa raha hu taki you could know about the Islamic perspective on juvenile law. Iske detail mein jaane ki zarurat nahi hai ki hum Islam ke specific laws nikal le juveniles ke khilaf. Ab iske bare mein main jo aapko cheez bataunga aapne sirf usi ko maddenazar rakhna hai, zyada uski uski detail mein aapne jana nahi hai. Ab maine bataya tha ki hate crimes kaun se hote hain Islam ke andar. Ye wo crimes hote hain jo ki pre-established punishment jo ki zyada tar Quran ya Sharia ke andar hoti hai uske andar describe kiye jate hain aur jo ek Islamic penal law hai. Ab jo hudood ordinance hai yani jo had hoti hai maine aap describe kiya ki jo had Islam ke andar define ki gayi hai jo had crimes hain, had minors ko award nahi ki jati. Islam ke andar jo hudood ordinance hai wo bachchon pe yani wo minors pe yani juveniles pe award nahi ki ja rahi hai. Aur iska hum basis kahan se uthate hain, isme hum holy prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki hadith ko samne rakhte hain jo ki hazrat Aisha ke through narrate ki gayi thi, jisme unhone kaha tha ki islamic penal liability se kon kon exempt hai. Number 1, wo insaan jo ki neend mein hai jab tak wo uth nahi sakta. Number 2, वो माइनर जो प्यूबर्टी नहीं अटेन कर रहा. एंड नंबर 3, वो इनसेन इंसान जो कि जब तक सैनिटी नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता. तो हजरत आयशा की जो हदीस थी जिस पे उन्होंने बताया कि हद का जो क्राइम है यानी हद हदूद और जो है वो किस पे आप लगा सकते हैं सिवाय इन तीन के, वो इंसान जो कि नींद में सो के नहीं उठ सकता, वो जुवेनाइल वो बच्चा यानी वो माइनर जो कि प्यूबर्टी की एज में नहीं गया, और नंबर 3 वो इनसेन जो कि जब तक सैनिटी नहीं जाता. तो इसका अगर आप नंबर 2 पॉइंट नोट करें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ माइनर अनलेस ही अटेन्स प्यूबर्टी, यानी जुवेनाइल जब तक प्यूबर्टी नहीं जाता. तो इस्लामिक परस्पेक्टिव के अंदर हमने ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है एज नरेटेड बाय हजरत आयशा, हमने ये देखा कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो इस्लामिक लॉ है, जो हदूद है उसके अंदर जो हद है, हद जो है उन माइनर्स पे नहीं अप्लाई होती जो कि प्यूबर्टी जिन्होंने रीच ना की हो. सो दिस वाज एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव फॉर यू. विद दिस नाउ वी हैव बेसिकली एन आइडिया दैट व्हाट डेलिक्वेंसी इज, माइनर्स कौन होते हैं, लीगल एज 18 के थ्रू क्या है इसका चक्कर बन रहा है, एंड सो ऑन एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव. अब इस पार्ट के अंदर आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो आप को ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैं इस वक्त आप लोगों को कहूंगा और मैं आप लोगों के साथ साथ भी करूंगा. अब सेक्शन 1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हमने किए थे, वो यहाँ पे काम आएंगे. अब हम डिफाइन करते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या. यहाँ ऊपर तो हमने इसको डेफिनेशन के थ्रू डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर. यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट जो है फॉल करता है, जिसके अंदर हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके डिफाइन करना है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या. डेफिनेशन अंग्रेजी वगैरह तो इंसान लिख देता है जो कि फॉर्मल है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना है, इसको डिफाइन करना है. अब हम इसको डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर. अब पहला जो मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उठाया है वो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर आप आ जाएं कि अब हम देखते हैं कि भाई जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या और होती क्यों है. कोई भी क्राइम कमिट होता है, मैंने आपको पहले बोला था कि जब आप किसी भी क्राइम या किसी भी नेचर ऑफ क्राइम को या किसी भी क्रिमिनल को अगर आप रेफर कर रहे हैं तो आपने हमेशा उसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करना है. हम अभी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं टू डिस्क्राइब के व्हाट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज. हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या. अब हमने एस्टैब्लिश करना है कि कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती क्यों है. क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन बताई थी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड रिस्पॉन्ड टू डेलिक्वेंट बिहेवियर. तो आप डिफाइन किस तरह कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब किस तरह कर रहे हैं, फिर आप उसको एक्सप्लेन किस तरह कर रहे हैं, और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एग्जांपल्स ली हैं. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर नंबर 1 जो मैंने एक चीज उठाई है वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी.
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से वीक सोशल बॉन्ड्स होते हैं, सोसाइटी का सोशल कंट्रोल बहुत वीक होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी जो एक पर्सन होता है वो आइसोलेटेड होता है सोसाइटी से, या सोसाइटी का उस पर होल्ड बहुत कम होता है. इसको हमने रिलेट किस तरीके से करने जुवेनाइल बिहेवियर के साथ. फिर उसके बाद हमने स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने मेटन की पढ़ी थी कि जी जनरल स्ट्रेन कौन से होते हैं, स्ट्रेन फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड मोर. ये आप समझ लें कि ये सॉर्ट ऑफ आपका होमवर्क है टू डू, कि आप और कौन सी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको ये दो थ्योरीज के थ्रू बताऊंगा कि आपने अपना आंसर कैसे बिल्ड करना है, और ये वाला जो आपका पार्ट है जिसके अंदर आपने मजीद सोशियोलॉजिकल थ्योरीज इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा. यहाँ पे मैं आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपके पास छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों ने मजीद किस तरीके से अप्लाई करके एक्सप्लेन करना है और डिस्क्राइब करना है. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर मैं आता हूं और मैं सोशल कंट्रोल की बात करता हूं. मैं बात करता हूं सोशल कंट्रोल की, कि भाई सोशल कंट्रोल का क्या रिलेशन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के साथ. लेट सपोज एक सोसाइटी है, सोसाइटी है सोसाइटी ए. सोसाइटी ए के अंदर जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, वो बहुत वीक हैं. वीक किस तरीके से है कि लेट सपोज वहां पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि विच एक्शंस शुड बी कमिटेड एंड विच एक्शंस शुड नॉट बी कमिटेड, कि कौन से एक्शंस को सैंक्शन करना है, किन को पनिश करना है, और किन को सैंक्शन नहीं करना और पनिश नहीं करना. तो जो एरिया ए है, एरिया ए के अंदर मैं ये बात करता हूँ कि एरिया ए के अंदर नॉर्म्स बहुत वीक है, लॉज बहुत वीक है. वहां पे ड्रिंकिंग भी अलाउड है, वहां पे गैम्बलिंग भी अलाउड है, वहां पे हर किस्म की, वहां पे ड्रग्स वगैरह भी बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं, वहां पे हर किस्म की वो तमाम चीजें जो कि बेसिकली किसी भी यूथ को डैमेज कर सकती हैं. अब एरिया ए के अंदर अगर कोई जो टीनएजर्स हैं, अब जहरी बात है जब ड्रग्स रेडिली अवेलेबल है, ड्रग्स के ऊपर कोई इतनी पाबंदी नहीं है, वहां पे गैम्बलिंग अवेलेबल है, वहां पे इस तरीके की हर किस्म की जो इवल है वहां पे अवेलेबल है, तो जो टीनेजर होता है, तो टीनेजर क्या करेगा कि टीनेजर इन चीजों के साथ ज्यादा एक्सपोज्ड होगा. पुलिस नहीं है सख्ती करने के लिए, रूल्स नहीं है सख्ती करने के लिए, सजाएं नहीं है सख्ती करने के लिए, तो वीक सोशल कंट्रोल है आपका. जब वीक सोशल कंट्रोल है तो उससे क्या हो रहा है कि जो टीनेजर हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, उनके अंदर वो तमाम आदतें आ रही हैं जिसकी वजह से वो खराब हो रहे हैं. तो हो ये रहा है कि दे आर टर्निंग टुवर्ड्स मोर हैविंग द पोटेंशियल टू कमिट अ क्राइम. सो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को आप लोगों ने सोशल कंट्रोल के थ्रू मैंने रिलेट करवा दिया कि किस तरीके से कुछ पुश पॉइंट्स होते हैं जो कि दे माइट पुश यू टुवर्ड्स कमिटिंग सम क्राइम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेन थ्योरी, कि स्ट्रेन थ्योरी क्या है. मैंने आपको पहले बताया था कि देर आर सर्टेन स्ट्रेन फैक्टर्स सोसाइटी के अंदर, सर्टेन स्ट्रेन फैक्टर्स होते हैं. मैंने आपको इकोनॉमिक स्ट्रेन फैक्टर का बोला था. आज मैं आपको, क्योंकि जुवेनाइल्स की बात करें तो मैं आपको स्ट्रेन फैक्टर बताता हूँ फैमिली, फैमिली प्रेशर का. द स्ट्रेन फैक्टर पीयर प्रेशर, बल्कि पीयर प्रेशर इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन. पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर क्या हो सकता है कि लेट सपोज देर इज अ जुवेनाइल, एक बच्चा है 18 साल से कम का जो कि स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, और स्कूल के अंदर वो पढ़ रहा है तो उसके ऊपर पीयर प्रेशर लेट सपोज बुलिंग का आ जाता है, लोग उसे बुली करते हैं. एंड व्हेन ही गेट्स बुलीड व्हाट हैपेंस इज दैट ही गेट्स सोशली आइसोलेटेड फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम दोज पीपल हु आर बुलिंग हिम. मे बी सम डे वो बच्चा तंग आके फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो बदला लेना चाहता है. अब वो बदला किस तरीके से ले सकता है, या तो वो उनको किसी तरीके से मारेगा, वो घर से कोई भी ऐसी कोई असॉल्ट करने के लिए कोई चीज उठा लाएगा, एंड सो ऑन. देर वॉज अ वेरी आई वॉन्ट से फनी बट इट वॉज अ वेरी विटी फनी एग्जाम्पल. एक अब्रॉड स्कूल था, वहां पे एक बच्चा था, उसको ऑलमोस्ट पूरे का पूरा स्कूल बुली करता था. तो उस बच्चे ने पूरे स्कूल के साथ रिवेंज किस तरीके से लिया, उसने इस तरीके से रिवेंज लिया कि उसने हॉर्स लैक्सेटिव, ये एक हॉर्स लैक्सेटिव एक चीज होती है, ये उसने क्या किया, स्कूल के कैफेटेरिया में गया और इसने सारे के सारे स्कूल के जो लंच हैं, जो उनके कैफेटेरिया का फूड है, उसके अंदर मिला दिया.
उससे पूरे के पूरे स्कूल का पेट खराब हुआ था, लोगों को सिवियर वॉमिटिंग हुई थी, लोगों को सिवियर उनके उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो डैमेज हो गया था. सो ओवरऑल यू कुड से कि इट वाज अ क्राइम, इट वाज कमिटेड बाय हिम. क्यों? बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, ही वाज बीइंग बुलेड. तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है. इसके अलावा असॉल्ट की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होती हैं कि कुछ लोग तंग आके बुलिंग से दे गो टूवर्ड्स असॉल्ट, पीयर असॉल्ट बोलते हैं इसको. तो सर्टेन स्ट्रेन फैक्टर्स दे ऑल्सो पुश सर्टेन जुवेनाइल्स इन आर सोसाइटी टू कमिट अ क्राइम. अब आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर मजीद आपने कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज निकालनी है मेरे पुराने लेक्चर्स में से लेके, और आपने उन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई करना है कि कौन से ऐसे सोशियोलॉजिकल एग्जांपल्स होती हैं जिसकी वजह से जुवेनाइल्स जो हैं क्राइम कमिट कर सकते हैं, जो माइनर्स हैं वो क्राइम कमिट कर सकते हैं. आप डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी देखें, आप लेबलिंग थ्योरी वहां पे जाके देख लें, एंड सो ऑन. देर आर सो मेनी अदर थ्योरीज. The reason I'm not explaining those is because I want you guys to also think in the same perspective as well. Second, जो चीज हम करेंगे वो हम sociological perspective में juvenile delinquent behavior को describe करेंगे कि society के अंदर juvenile delinquent behavior क्यों होता है. इसके अंदर हम ज्यादातर अपनी एंटी सोशल बिहेवियर यानी बिहेवियर थ्योरी को अप्लाई करते हैं. अगेन ये वही वाली थ्योरी है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बिकॉज ऑफ सर्टेन स्ट्रेन फैक्टर्स, एक बच्चा जो है वो सोशली आइसोलेट होता है, या वो जो बंदा है वो इंट्रोवर्ट है. वो लड़का या लड़की वो क्या है, वो इंट्रोवर्ट है. आपका नेचुरली दैट पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट. जब वो इंट्रोवर्ट है तो उससे क्या हो रहा है कि उसका एंटी सोशल बिहेवियर क्रिएट हो रहा है. जब एंटी सोशल बिहेवियर क्रिएट हो रहा है, ही इज अवे फ्रॉम हिज सोसाइटी, ही डज नॉट केयर अबाउट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, ही डज नॉट केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी. कल को वो किसी किस्म का भी क्राइम करेगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को डील कर रहा होगा, या तो उसको किसी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इस चीज को अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया, एंटी सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर एंड एक्सेट्रा. दिस इज गोइंग टू बी योर सप्लीमेंट्री रीडिंग. डू रीड दैट लिंक. इट इज अ वेरी गुड पब्लिकेशन जो कि साइकोलॉजिकल रीजनिंग को डील करता है. From there you can pick out 3 to 4 points के psychological reasons क्या होती है जिसकी वजह से juvenile जो है हम एक society के अंदर delinquent मान सकते हैं. बहुत सारी आपके psychological disorders भी हो सकते हैं, but then again ज्यादातर जो है वो आपके introvert behaviors ही होते हैं जो कि juveniles को delinquent बनाते हैं. So I have posted the link in the description या in the title of the video. आप उसको खोल के वहां से साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव दे सकते हैं. द रीजन के मैंने आपको यहाँ पे थियोरेटिकल परस्पेक्टिव क्यों पढ़ाया, वो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि बिकॉज दिस इज क्रिमिनोलॉजी. क्रिमिनोलॉजी है ही ये सारी की सारी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. हमने क्या किया, हमने बताया कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती क्या है, लेकिन अब हमने एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्योंकि हम क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमने बताना है कि भाई जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्यों होती है. इंग्लिश के वर्ड्स में फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर हमने बता दिया, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन करना था, हमने उसको डिस्क्राइब करना था, हमने उसको उसको रिस्पॉन्ड करवाना था एंड एक्सेट्रा. तो हमने क्या किया, हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उठाया, हमने उसकी कुछ थ्योरीज उठाई और हमने उसको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दिया. हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उठाया, हमने उसकी कोई थ्योरी उठाई और हमने उसको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दिया. इस तरीके से हम बेसिकली क्रिमिनोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं. This is the pure criminology that you are going to be dealing with. तो इसके लिए section 1 जो है आपके लिए बहुत important होना चाहिए. Do read about the psychological perspective जिसका मैंने आपको link provide किया. Before proceeding further, I would just like to see the comments. Thank you, ma'am. ओके, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एंटरटेन्ड एट द एंड. मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बीच में क्वेश्चंस मत पोज किया करें, क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो उस तरीके से मैं उस चीज को फोकस नहीं कर सकता. एंड पे मैं स्पेसिफिक टाइम देता हूँ, तो एंड पे अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो वो मैं देख सकता हूँ, वरना बीच वाले बीच में गुम जाते हैं. और जो और स्टूडेंट्स हैं, मैं ये क्रिमिनोलॉजी का सेशन है, आपको करंट अफेयर्स वगैरह जो भी करना है आप काइंडली एक और पोस्ट करके वहां पे आप रिक्वेस्ट कर लें, बट दिस इज प्योरली अ क्रिमिनोलॉजी सेशन. ओके, सो व्हाट वी डिड,
was ke hum logo ne abhi pad liya ke juvenile delinquency hai kya, juvenile delinquency ke andar sociological perspective, psychological perspective, yani humne usko sirf words ke through explain nahi kiya balki humne usko theoretical framework ke andar bhi explain kar diya. Aur maine aap logon ko link diya aur maine aapko brainstorming ke bhi bola bhi hai ki you have to do more research. Balki aap logon ne jo maine aapko pichle lecture ke andar sari sociology ki theories dikhai thi, aapne sare usko apply karna hai. Ab hum define karte hain juvenile delinquency ko with respect to Pakistan. कि juvenile delinquency with respect to Pakistan क्या है और पाकिस्तान के laws कौन से हैं जो कि इसको deal करते हैं. पाकिस्तान के अंदर basically हम क्या करेंगे कि हम इसको refer कर रहे होंगे सारे के सारे laws जिसको आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना. You just need to have the reference towards these. You need to know what these are. तो हमारे पास जैसे कि Child Offenders Act है. Child Offender Act basically 1995 के अंदर introduce हुआ था और ये बस एक bill था और इसके बाद जाके 2000 के अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि एक था JJSO, Juvenile Justice System Ordinance. तो ये जो Child Offender Act था ये एक bill था जिसकी वजह से आपका JJSO आया था बाद में. लेकिन it was the first initiation towards the creating of an ordinance जो कि specially juveniles के लिए था. सेकेंड जिसको हम ज्यादातर रेफर करते हैं ये जो हमारे पास है वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस है. वी विल स्टडी व्हाट प्रोबेशन इज, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. ये 1960 के अंदर आया था और इस ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि किसी भी केस के सर्कमस्टांसिस को देख के, रिमेंबर हम जुवेनाइल्स की बात कर रहे हैं, तो जुवेनाइल्स का कोई भी अगर केस आता था हम उसके सर्कमस्टांसिस को देखते थे और फिर कोर्ट एक ओपिनियन बनाता था कि क्या इस जुवेनाइल को हम प्रोबेशन के अंदर रिलीज करें या ना करें. प्रोबेशन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं क्या होती है. प्रोबेशन इज बेसिकली द रिलीज ऑफ अ पर्सन बिफोर गोइंग टू द जेल और बिफोर सर्विंग अ सेंटेंस. जेल या ने जाने से पहले आप जो वक्त बाय आपको अगर कोर्ट जेल नहीं भेजती बल्कि आपको रिहा कर देती है ऑन सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड रीजंस, उसको प्रोबेशन बोलते हैं. तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस जो था उसके अंदर जुवेनाइल्स को रिप्रेजेंट किया गया था 1960 का जो था. और वी विल डिस्कस प्रोबेशन इन वेरी डिटेल. जो नेक्स्ट है जो कि हम बहुत ज्यादा रेफर करते हैं वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो कि इस एक्ट के बाद आया था. जो पहला एक्ट मैंने आपको बताया चाइल्ड ऑफेंडर एक्ट के बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जिसको JJSO शॉर्ट कहते हैं, इट केम इन 2000 और इसका मकसद था टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु वर इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज और उनकी रिहेबिलिटेशन. देर आर सर्टेन पॉइंट्स मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस की बता देता हूँ, हालांकि अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये ऑर्डिनेंस पूरा आ जाएगा. लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि पाकिस्तान में जुवेनाइल लॉ होता क्या है, मैं JJSO को चंद आपके पॉइंट्स बताता हूँ, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा. नंबर फॉर एग्जाम्पल JJSO के अंदर जुवेनाइल्स को डिस्क्राइब किया गया कि जुवेनाइल होता क्या है. उन्होंने सिंपल बोला है कि एज पर द JJSO 2000 चाइल्ड मींस अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 इयर्स. अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 इयर्स. जिस वक्त कोई भी पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है उस टाइम अगर उसकी एज 18 साल नहीं है तो वो जुवेनाइल है. ये JJSO के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. तो पाकिस्तान लॉ के तहत 18 साल की उम्र जो है उससे कम उम्र का जो बंदा है अगर वो क्राइम कमिट कर रहा है उसको हम जुवेनाइल कहते हैं. सेकंड इसके अंदर कुछ चीजें जैसी कि है JJSO पूरे के पूरे कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग द ट्राइबल एरियाज. और फिर इसके अंदर जैसे कि कहते हैं कि जी जो जुवेनाइल है जब वो उसको कन्विक्ट किया जाता है उसको कोर्ट लाया जाता है तो स्टेट की बिहाफ पे उसको जो है काउंसिल दी जाएगी, उसका खर्चा उठाया जाएगा और ये और फिर उसके बाद के कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि वो 4 महीने के अंदर केस को सुनाया जाए, प्रोबेशन ऑफिसर होना चाहिए एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो ऑर्डिनेंस के अंदर हमने देखा कि बेसिकली जुवेनाइल JJSO जो है इसके अंदर जुवेनाइल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको काउंसिल कैसी दी जाएगी, स्टेट के खर्चे पे केस किस में डिसाइड होना है. सो ओवरऑल जो ऑर्डिनेंस है वो जुवेनाइल्स के लिए एक अलग है पाकिस्तान के अंदर.
As of 2018, एक और हमारे पास आया एक्ट, which is the Juvenile Justice System Act of 2018. इसका भी मैंने आपको जो सेकेंड लिंक है वो इस लिंक का दिया है. ये जो मैंने आपको आर्टिकल दिया है इसके अंदर डिटेल के अंदर इसकी जो समरी है उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है. सो यू जस्ट नीड टू नो कि पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से लॉज हैं, कौन से एक्ट्स हैं, कौन से ऑर्डिनेंसेस हैं. ज्यादा मेन जो है वो ये दो हैं, JJSO और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ऑफ 2018, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट्स हैं, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डिनेंसेस हैं. तो अगर आप जो हम कहते हैं कि CSS के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के अंदर हमने रेफरेंस देनी होती है, तो अगर आपने रेफरेंस देनी है और अगर आपने जुवेनाइल्स की रेफरेंस देनी है, आप इन दो के अंदर से दे सकते हैं. ये जो लिंक आपको मैंने दिया है इस 2018 एक्ट का, इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से ऑथर ने समराइज करके चीजें बताई हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू रीड दोज, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्ट होता क्या है और इसके अंदर बेसिकली कौन से एरियाज और डायमेंशंस को कवर किया गया. सो दीज टू आर गोइंग टू बी इनफ फॉर योर रेफरेंस टू टॉक अबाउट द जुवेनाइल लॉ इन पाकिस्तान. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफेंस. कि स्टेटस ऑफेंस होता क्या है? स्टेटस ऑफेंडर इज बेसिकली अ जुवेनाइल. अगर स्टेटस ऑफेंस की हम बात करें, मैं आपको बताता हूं स्टेटस ऑफेंस क्या. स्टेटस ऑफेंडर इज बेसिकली अ जुवेनाइल जो कि चार्ज किया जाता है ऐसे क्राइम के साथ जो कि अगर एक बड़ा कमिट करे तो वो क्राइम नहीं है. एक ऐसा एक्ट जो कि अगर एक बच्चा कमिट करे, एक माइनर कमिट करे, एक जुवेनाइल कमिट करे, उसको क्राइम कंसिडर किया जाएगा. लेकिन अगर वही एक्ट एक बड़ा कमिट करे तो उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा. जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर एल्कोहल कंजम्पशन, वहां पे जब आप बियर लेने जाते हैं या अल्कोहल लेने जाते हैं किसी भी स्टोर पे, तो वो आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं. आईडी कार्ड के अंदर दे लुक टू सी दैट इफ यू आर 18 इयर्स ओल्ड और नॉट. इफ यू आर 18 इयर्स ओल्ड दे आर गोइंग टू गिव यू अल्कोहल. इफ यू आर नॉट 18 इयर्स ओल्ड वो आपको अल्कोहल नहीं देंगे. और अगर सम हो आप अल्कोहल ले जाते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ क्राइम एंड दे आर गोइंग टू कॉल द पुलिस एंड यू आर गोइंग टू बी टेकन टू द कोर्ट एंड एक्सेट्रा. तो स्टेटस ऑफेंसेस वो होते हैं. इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे कि स्टेटस ऑफेंसेस कौन से होते हैं. अब जैसे कि प्राइमरी टाइप जो है वो पांच है. नंबर वन इज द ट्रांसी. ट्रांसी रेफर्स टू योर हैबिचुअल और योर अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंसेस फ्रॉम स्कूल व्हिच इज यूजुअली एक्सीडेड बाय नंबर बाय द लॉ. जिसको हम अपनी जबान के अंदर इट इज यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस. आपको एग्जाम्पल की दे रहा हूँ, फुट्टा मारना, स्कूल को बंक करना, बहुत ज्यादा बंक करना, इसको हम बोलते हैं कि ऐसी स्कूल एब्सेंस जो कि लॉ या स्कूल के लॉ से ज्यादा है. यानी आपने ऑलमोस्ट आप ठीक ठाक बंक मार रहे हैं, आप स्कूल बंक कर रहे हैं, आप क्लासेस बंक कर रहे हैं, ये इट इज अ स्टेटस ऑफेंस. इट वुड बी अ क्राइम फॉर अ माइनर अगर वो कर रहा है. सेकेंड आपका रनवेज आता है. रनवेज कौन से होते हैं? रनवेज बेसिकली अ चाइल्ड हु लीव्स द होम विदाउट परमिशन एंड स्टेज अवे ओवरनाइट. कोई भी बच्चा जो घर से भाग गया, छोटा 18 साल से कम उम्र का बच्चा घर से भाग गया और वो घर आ ही नहीं रहा, उसको भी स्टेटस ऑफेंस कहा जाता है. और इसके अंदर लॉन्ग टर्म रनवेज भी होते हैं, शॉर्ट टर्म रनवेज भी होते हैं, एक्सेट्रा. फिर उसके बाद आता है वॉयलेशन ऑफ कर्फ्यूज. किसी भी किस्म का आपने कर्फ्यू लगाया, स्पेसिफिक आवर्स पे, डे ऑफ द वीक पे, लोकेशन पे आपने लगा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. किसी भी किस्म का कर्फ्यू अगर आप वॉयलेट कर रहे हैं, इट इज अ स्टेटस ऑफेंस. फिर उसके बाद हम आते हैं अंडर एज ड्रिंकिंग. मैंने आपको इसकी पहली एग्जाम्पल दी, जो कि यूजुअली हम पोजेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स या ड्रग्स हम कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग अंडर एज अलाउड नहीं होती. और उसके बाद अनगवर्नेबल यूथ. सिंपली पुट आप जो कहते हैं कि जो अनमैनेजेबल, अनरूली और जो बेसिकली जो कंट्रोल नहीं हो रहे होते. सो वी सी के स्टेटस ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि जुवेनाइल्स के स्पेसिफिक हैं, कि अगर उसको माइनर कमिट कर रहा है तो वो क्राइम है, अगर उसको एक एडल्ट कमिट कर रहा है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर एज अ क्राइम. मैंने आपको इसके डिफरेंट टाइप्स बताई हैं और उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी कि ये किस किस्म के स्टेटस ऑफेंस होता है. अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि स्टेटस ऑफेंस
और एडल्ट सिस्टम में फर्क क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसके डिफरेंस की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि हम डिफरेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे तब हमें जाके आइडिया होगा कि स्टेटस ऑफेंस और एडल्ट सिस्टम में फर्क है। एक बात याद रखें कि पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो जुवेनाइल होता है उसके पास राइट नहीं होता पब्लिक ट्रायल का बाय ज्यूरी। ज्यूरी बेसिकली आपकी, अगर आप देखें ज्यूरी बैठती होती है बाज़ुकात कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं तो कोर्ट्स के अंदर कभी कभी ज्यूरी बैठती है, जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो ज्यूरी डिसाइड करती है। इट इज अ मोर ऑफ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एज वेल, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जस्टिस सिस्टम उसके अंदर हम ज्यूरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर जो जुवेनाइल होता है उसके पास ज्यूरी का हक नहीं होता, जो एडल्ट होता है उसके पास ज्यूरी का हक होता है। एडल्ट सिस्टम के अंदर जब भी किसी भी किस्म की पनिशमेंट या सैंक्शन दी जाती है उसका मकसद होता है, गोल होता है पनिशमेंट का, कि इसको पनिश किया जाए। जुवेनाइल सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का जब आपके ऊपर सैंक्शन लगाई जाती है उसका मकसद होता है चाइल्ड की रिहेबिलिटेशन का। बड़े को सजा दे रहे हो ताकि उसको एहसास हो, लेकिन बच्चे को सजा देने का मकसद उसको एहसास नहीं बल्कि उसकी रिहेबिलिटेशन करने का है, उसकी रिफॉर्मेशन करने का है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड है कि ज्यादातर जो जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, एडल्ट्स के जो होते हैं वो थोड़े से फॉर्मल होते हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा कि रिफॉर्मेटरी स्कूल्स होते हैं और ब्रॉस्टल्स होते हैं और किस तरीके से ये स्कूल्स होते हैं किस तरीके से इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन ओवरऑल यू सी के इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट अ पर्सन कैन डू और नॉट, दीज वर लाइक द बेसिक थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द एडल्ट सिस्टम एंड द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल सिस्टम। सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सिस्टम्स, नंबर वन सारों के पास राइट टू अटर्नी है, सारों के पास दे हैव द प्रोसेस ऑफ क्रॉस विटनिंग द क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेसेस एंड एक्सेट्रा एंड नोटिस ऑफ चार्जेस एंड एक्सेट्रा, ये कुछ लीगल चीजें हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्रोसेस गोज, के पनिशमेंट एडल्ट सिस्टम में कैसी है, प्रोसिक्यूशन एडल्ट सिस्टम में कैसी है, एम क्या होता है पनिशमेंट और सैंक्शंस का, विटनेसेस का प्रोसीजर कैसा है एडल्ट सिस्टम और जो जुवेनाइल सिस्टम है, यानी जो स्टेटस ऑफेंस को कैरी आउट करने वाले जुवेनाइल्स हैं, ये उनके दरमियान में डिस्टिंग्विशन को करवा रहा होता है। जुवेनाइल स्टैट्स अगर हम पाकिस्तान के देखें तो दिस वॉज लाइक अ डेटा दैट आई वॉज एबल टू पिक अप फ्रॉम द इंटरनेट, जो कि लेटेस्ट मुझे 2017 का ही मिला था। लेकिन इसके अंदर अगर हम ये देखें तो ये जुवेनाइल्स का है कि जुवेनाइल्स के अंदर क्राइम्स, पंजाब के अंदर 2013 में इतना क्राइम था जुवेनाइल्स का, इतने नोटेड क्राइम, और 2017 के अंदर इतना, एंड सो ऑन। बलूचिस्तान के अंदर इंक्रीज हुआ है, बाकी के अंदर यू सी देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो स्टैट्स के थ्रू अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के जो क्राइम है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि वाई इज इट कि पंजाब के अंदर जो है जुवेनाइल क्राइम ज्यादा है। यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज लगाएंगे, क्योंकि हम एरियाज की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एरियाज हैं, यहाँ पे आपने कोशिश करना है, क्योंकि अगर हम प्रोविंस वाइज डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि भाई पंजाब के अंदर क्राइम ज्यादा क्यों है, सिंध के अंदर, फिर केपी और फिर बलूचिस्तान, यू हैव टू गो फॉर द सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। पंजाब के अंदर ऐसी क्या थ्योरीज हैं जिसको आप लगा के डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का काम ज्यादा है। सेशन के एंड पे आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ थ्योरीज के मुझे नाम बताने हैं कि पंजाब के अंदर क्राइम ज्यादा क्यों है। ये आपका टास्क है इस सेशन का कि एंड पे आप लोगों ने बताना है मुझे। कोशिश करें, लाजमी नहीं है, इट इज जस्ट अ फन एक्टिविटी कि आप लोग मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि जिसकी वजह से पंजाब में क्राइम ज्यादा और बलूचिस्तान में जुवेनाइल का क्राइम कम है। रिमेंबर, आपने जुवेनाइल को जहन में रखना है। सो दिस वॉज जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स टू गिव यू एन आइडिया, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन करना है थ्रू अ क्रिमिनोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, थ्रू अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सो कीप दिस इन माइंड, एंड पे आप लोगों ने मुझे बताना है और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।
अच्छा अब हम पढ़ते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की कि व्हाट इज अ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में पढ़ा, हमने स्टेटस ऑफेंस के बारे में पढ़ा, हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर और हमने उसको डेफिनेशंस के थ्रू पाकिस्तान के अंदर भी लॉज के थ्रू एक्सप्लेन किया। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जस्टिस सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज जस्टिस सिस्टम इटसेल्फ। जस्टिस सिस्टम इज बेसिकली आप समझ लें इट इज एन अमैलगमेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। कौन सा? यू हैव द पुलिस, यू हैव द कोर्ट्स, आपके जो कोर्ट्स आते हैं और आपके जो करेक्शन मेथड्स होते हैं, जो मेरा लेक्चर 4 है उसके अंदर हम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं इसकी कि जस्टिस सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर आपकी पुलिस होती है, जिसके अंदर आपके कोर्ट्स होते हैं और आपके करेक्शन मेथड्स होते हैं। तो जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की कोई अलहदा से पुलिस नहीं होती, जुवेनाइल्स को पकड़ने के लिए अलहदा पुलिस नहीं होती, लेकिन इनके कोर्ट्स अलहदा होते हैं और इनके करेक्शन अलहदा होते हैं। तो जब भी हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे, हम इस सिस्टम की बात करेंगे कि यार कोर्ट्स ऐसे कौन से हैं। हमने शुरू में पढ़ा कि भाई ऑर्डिनेंसेज होते हैं, JJSO है, एक्ट आया 2018 के अंदर, रिफॉर्मेटरी प्रोबेशन ऑर्डिनेंस है, एक्सेट्रा। तो जस्टिस सिस्टम के अंदर कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जो कि डील कर रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर जो जज होता है उसका क्या रोल होता है। हम करेक्शन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कौन से करेक्शन मेथड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली जुवेनाइल्स के लिए हैं, माइनर्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो कि 18 से कम है। तो जब हम इस सारे के सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, जो पूरे का पूरा सिस्टम जिसके अंदर आपकी सब चीजें हैं, पुलिस है, कोर्ट्स हैं एंड आपके करेक्शंस हैं। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड व्हाट द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज। पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि कौन है आपका पुलिस। किसी भी जस्टिस सिस्टम के अंदर, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है या वो अडल्ट जस्टिस सिस्टम है, जो फर्स्ट रिस्पोंडर होता है किसी भी क्राइम एक्टिविटी के अंदर, वो आपका कौन सा होता है? पुलिस। वी कॉल इट द फर्स्ट रिस्पोंडर, यानी क्राइम को जो रिस्पोंड कर रहा है वो कौन है? पुलिस है, फर्स्ट रिस्पोंडर। क्राइम पे पहले कौन आता है? जज तो नहीं आएगा, जेल तो बाद में आती है, जेल वाले भी नहीं आएंगे, पुलिस आएगा, क्योंकि पुलिस ऐसी फोर्स है जो कि जस्टिस सिस्टम के अंदर पहले रिस्पॉन्ड करती है। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया कोई खास पुलिस नहीं है, कोई ऐसी पुलिस नहीं है जिनको जुवेनाइल पुलिस कहा जाता है। जो आपकी नॉर्मल पुलिस होती है वो जुवेनाइल्स को भी डील कर रही होती है। अब हम कहते हैं कि पुलिस का रोल क्या है अगर वो जुवेनाइल्स को डील कर रहे हैं। कॉल आती है या आपको नोटिफिकेशन आता है कि फलां जगह क्राइम कमिट हुआ है, आप उस जगह पे जाते हैं और आप देखते हैं कि वहां पे क्राइम कमिट करने वाला जुवेनाइल है। अब जुवेनाइल को एडल्ट से डिफरेंट ट्रीट करना है, क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस है, वहां पे एक्ट है, हमने पहले एस्टेब्लिश ही यही किया कि भाई ये एडल्ट है ही नहीं, तो जब ये जुवेनाइल्स एडल्ट नहीं है इनको एडल्ट की तरह ट्रीट ही नहीं करना। तो रोल ऑफ पुलिस क्या है? या तो पुलिस का काम होता है कोर्ट रेफरेंस का, या तो काम होता है उनका कोर्ट रेफरेंस का। कोर्ट रेफरेंस का क्या मतलब है कि आप साइट ऑफ क्राइम पे गए जहां पे क्राइम कमिट होता है, लेट सपोज इट इज अ क्राइम विच वाज कॉल्ड ऑफ अ रॉबरी, रॉबरी हुई है जी एरिया के अंदर, सामने एरिया या क्लोजेस्ट विसिनिटी के अंदर, प्रॉक्सिमिटी के अंदर जितनी पुलिस व्हीकल्स थी उनको बुला लिया गया वायरलेस करके। जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो वहां पे जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है वो देखता है कि वहां पे जो जिन्होंने रॉबरी की है वो बच्चे हैं, वो जुवेनाइल्स हैं। अब वो क्या करेगा? या तो वो उनको कोर्ट रेफर करेगा, जुवेनाइल कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जुवेनाइल कोर्ट्स की, जो आपके जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, कोर्ट रेफर कर देगा। उस मौके पे पहुंच के रॉबरी की इंटेंसिटी, रॉबरी की नेचर, जुवेनाइल्स की नेचर देख के पुलिस अगर देखती है कि ये बेहतर रहेगा कि इनको कोर्ट भेज दिया जाए। अमूमन होता ये है कि पुलिस आती है और अगर जुवेनाइल्स का जो ऑफेंस है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो उनको छोड़ भी देते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम एंड द नेचर ऑफ द क्राइम विच इज बीइंग कंडक्टेड, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जो पुलिस का रोल होता है, अगर जुवेनाइल्स को वो कंडक्ट पकड़ रहे हैं किसी भी क्राइम के अंदर, तो उनको जुवेनाइल कोर्ट्स में रेफर कर दिया जाता है कि आपकी जो केस की प्रोसीडिंग है वो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर होगी. सो ऑलमोस्ट यू कुड से दैट 70-80% जो पुलिस का रोल आता है वो कोर्ट रेफरल्स के अंदर आ रहा होता है. ज्यादातर कोर्ट रेफरल्स ही कर रहे होते हैं जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर. जो सेकंड चीज है वो है आपके अरेस्ट अल्टरनेटिव्स. अब अरेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या हैं? फियर्स ऑफ प्रिजन. ये जो आप पिक्चर साथ देख रहे हैं, द पिक्चर दैट आई हैव यूज्ड ओवर हियर, इसके अंदर हो ये रहा है कि ये इट इज नॉट अ गूगल पिक्चर. इसको बोलते हैं स्केर्ड बियॉन्ड स्केर्ड. यस, इस प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड. आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, बियॉन्ड स्केर्ड नाम है इसका. इसके अंदर क्या करते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो जुवेनाइल होते हैं, जो बच्चे जो कि बहुत ज्यादा क्राइम कमिट कर रहे होते हैं और वो बाज नहीं आ रहे होते, उनको वो लेके जाते हैं प्रिजन्स के अंदर, और प्रिजन्स के अंदर उनकी मुलाकात करवाते हैं वहां पे जो एडल्ट क्रिमिनल्स हैं. ये आपका एडल्ट क्रिमिनल है ये, और ये बच्चा जो है ये आपका जुवेनाइल है. तो वो आपको एडल्ट प्रिजन्स के अंदर जाएंगे, लेके जाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, आपका इंटरेक्शन करवाएंगे एडल्ट प्रिजनर्स के साथ. एडल्ट प्रिजनर्स को कहा जाता है कि इनको इतना डराओ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो इन्होंने क्रिमिनलिटी का बिहेवियर पकड़ा हुआ, ये छोड़ दें. तो ये हर महीने हर वीक बच्चों को लेके जाते हैं जिनका एक थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, और इनको एडल्ट प्रिजनर्स के सामने रख के इनका इंटरेक्शन करवाते हैं, और वो इनको डराते हैं कि तुम लोगों ने अगर ये हरकतें ना छोड़ी तो जिधर हम है ये होगा, और तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि ये कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. आई वुड सजेस्ट कि आप इसको देखें. बियॉन्ड स्केर्ड ड्रामे का नाम है, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री. तो कुछ पुलिस का रोल ये होता है कि अरेस्ट ऑल्टरनेटिव आप क्रिएट करें. ये बहुत इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है, जिसके अंदर हम फियर ऑफ प्रिजन्स कहते हैं कि बच्चों को प्रिजन्स की असल इमेज दिखाई जाती है, एडल्ट प्रिजनर्स के बारे में बताया जाता है. या तो आप इस तरीके से उनको प्रिजन्स के अंदर लेके जा रहे हैं, या तो आप उनको किसी ना किसी किस्म के आप उनको सेमिनार करवा के उनको बता रहे हैं कि व्हाट आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस. तो रोल ऑफ द पुलिस इन टर्म्स ऑफ जुवेनाइल्स, दीज टू आर वन ऑफ द मेन थिंग्स. लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ज्यादातर पुलिस का रोल क्या होता है, कोर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% टाइम है. ये जो अरेस्ट अल्टरनेटिव्स है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस वाकई में टाइम देती है और वो सोचती भी इन चीजों के ऊपर. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द कोर्ट्स. मैंने आपको बताया कि जो सेकंड चीज जस्टिस सिस्टम के अंदर आती है वो क्या है, वो कोर्ट्स है. तो जुवेनाइल्स के मैंने आपको पहले बताया कि जुवेनाइल्स के सेपरेट कोर्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के कोर्ट सेपरेट होते हैं, जुवेनाइल्स के भी सॉर्ट ऑफ सेपरेट होते हैं. इसके अंदर जो सबसे मेन पर्सन होता है वो आपका जुवेनाइल जज होता है, और जज वो पर्सन होता है जो कि बेसिकली आपका फेट डिसाइड कर रहे हैं. जज का रोल क्या है? जज का रोल है नंबर वन, वो अपनी अथॉरिटी को, सबसे पहले तो ये कि अपनी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबली यूज करे. जुवेनाइल कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर जो उसके अगेंस्ट जो क्राइम जिसके ऊपर उसका ट्रायल हो रहा है, उस क्राइम से रिलेटेड जो एग्जाम हैं, उस क्राइम से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं, उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके एक कॉन्विक्शन दे, एक ट्रायल के ऊपर जो है रिजल्ट सुनाए. सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक जज का जो है वो ये है. नंबर टू, प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करके और कोशिश करे कि चाइल्ड को अगर मैं पनिश कर रहा हूं या अगर मैं उसको सैंक्शन कर रहा हूं तो सबसे मेन रीजन सबके पीछे होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसकी रिहैबिलिटेशन. मकसद चाइल्ड को रिहैबिलिटेट करना है, उसको रिफॉर्म करके वापस सोसाइटी के अंदर एज अ गुड सिविलियन भेजना है. ये नहीं कि उसको जेल भेज के उसको सजाएं दे के उसको और सख्त करना है. तो ये जज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. और फर्दर मोर उसने एक क्लोज लाइजन स्कूल अथॉरिटीज के साथ बना के रखना है ताकि वो कोऑर्डिनेशन कर सके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की. स्टूडेंट्स आते हैं जो कि जुवेनाइल्स होते हैं, वो आते हैं तो जज का काम ये भी होता है कि वो प्रॉपरली किसी बच्चे को सजा देने के बजाय उसकी स्कूल अथॉरिटीज को बुलवा के
या कम्युनिटीज की अथॉरिटीज को बुलवा के उनके साथ ऐसी पॉलिसीज फ्रेम आउट करवाए, उनके साथ इस तरीके के एग्रीमेंट बनवाए कि जो स्टूडेंट है यानी जो जुवेनाइल है वो कल को रिफॉर्मेशन उसकी हो रही हो। मैंने आपको इधर कॉन्सेप्ट दिया था प्रोबेशन का कि प्रोबेशन होती क्या है, ये मैं प्रोबेशन की ही बात कर रहा हूँ कि जुवेनाइल कोर्ट के अंदर एक जुवेनाइल आता है और जुवेनाइल को जज क्या करता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोबेशन के अंदर छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें जेल में नहीं भेज रहा बल्कि मैं तुम्हें लीव दे रहा हूँ और सर्टेन कंडीशंस के ऊपर लीव दे रहा हूँ कि तुमने ये एक्ट करना है, तुमने ये वाली सर्विस कम्युनिटीज करनी है, तुमने अपनी सोशल वेलफेयर की जो कम्युनिटी है सोसाइटी के अंदर या स्कूल के अंदर तुमने उसके अंदर काम करना है और उसके अंदर काम करके तुमने मुझे हफ्ते बाद आके रिपोर्ट देनी है कि तुम कितने इफेक्टिवली काम कर रहे थे। तो इस तरीके से एक बड़ा क्लोज लायसन क्रिएट करना पड़ता है, जज को कोशिश करनी होती है, उसको कंसिडर करना होता है कि उसने एक कनेक्शन बनाना है स्कूल अथॉरिटीज या कम्युनिटी की अथॉरिटीज में। ओवरऑल अगर हम देखें जो रोल है वो जज का एक स्ट्रिक्टनेस रोल नहीं है, उसने एक स्ट्रिक्ट मॉडल की तरह एक जुवेनाइल को डील नहीं करना। मेन मकसद जज का जुवेनाइल से डील करने का मकसद होता है उसकी रिफॉर्मेशन, उसकी रिहेबिलिटेशन। जुवेनाइल को सजा नहीं देनी होती, एक बात आप लोग अपने जहन में रखें, जुवेनाइल को सजा नहीं देनी होती, जुवेनाइल को रिहेबिलिटेट करना होता है क्योंकि वो 18 से कम है, वो अभी मेच्योरिटी के एज पे नहीं पहुंचा, वो रैशनल डिसीजन नहीं बनाता। तो जज ने ये सारी चीजें देखनी होती है कि या तो उसको प्रोबेशन पे मैं डालूं या तो उसके मैं प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करके कोशिश करूं कि इसको पनिशमेंट ना मिले लेकिन कुछ ना कुछ होके इसको सैंक्शन में लगाऊं। सो दीज आर लाइक वन ऑफ द बेसिक एम्स ऑफ द जज व्हेन दे आर डीलिंग विद अ जुवेनाइल। ट्रायल ऑफ अ जुवेनाइल, ट्रायल किसे कहते हैं? ट्रायल सिंपली जब आपका कोर्ट, आपका जो केस होता है कोर्ट के अंदर वो प्रोसीड हो रहा होता है, उस प्रोसीडिंग को आप ट्रायल कहते हैं। ट्रायल ऑफ अ जुवेनाइल ऑफेंडर क्या है? ट्रायल के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा मकसद जब भी किसी भी चाइल्ड का ट्रायल हो रहा होता है तो उसको हमने एडल्ट के मैनर में हमने उसको ट्रीट नहीं करना, बल्कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये होता है कि हमने उसको रिहेबिलिटेट करना है। तो ट्रायल का मकसद यही है, जैसे कि अब अगर आप ट्रायल, आपने रेफरेंस लेना है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, इसके तहत आपका जो 4 months के अंदर आपके जुवेनाइल का ट्रायल होना चाहिए, इट इज इम्पॉर्टेंट, विद इन 4 months द ट्रायल शुड बी कंडक्टेड, इसके अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और जो एक और इसके अंदर जो थी वो ये था कि जो आपका अटॉर्नी है, जो आपका प्रोसिक्यूटर है जो कि आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा, वो स्टेट की तरफ से आएगा, स्टेट के एक्सपेंस की तरफ से आएगा। और फर्दर ट्रायल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्राइम्स दैट अ जुवेनाइल कमिट्स उसकी बेसिस पे भी हो रहा होता है। तो ट्रायल ऑफेंडर जो जुवेनाइल ऑफेंडर का है वो जेजेएसओ के अंदर मैंने आपको 2 examples दी हैं, इस तरीके से होता है। ये स्पेसिफिकेशंस की बात होती है कि ट्रायल होना कैसे है। फिर हम बात करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स की। मैंने आपको बताया कि अगर जज डिसाइड करता है कि किसी भी जुवेनाइल को हमने प्रोबेशन पे भेजना है तो जब भी वो प्रोबेशन पे जाता है तो उसको एक प्रोबेशन ऑफिसर मिलता है जो कि उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस, उसकी पूरी की पूरी जो प्रोबेशनरी सेंटेंस होता है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। अगेन मैं आपको इसकी एग्जांपल या प्रोबेशन ऑफिसर करता क्या है, करना क्या है, जेजेएसओ ऑर्डिनेंस के थ्रू ही बताऊंगा। जैसे कि उसने जुवेनाइल को असिस्ट करना है कोर्ट के अंदर जब वो अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करवा रहा है, अपने कैरेक्टर के बारे में रिपोर्ट्स दे रहा है, अपने एजुकेशनल के बारे में दे रहा है, अपनी प्रोग्रेस के बारे में दे रहा है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि सोशल वेलफेयर अथॉरिटीज के अंदर वो काम कर रहा है तो एक हफ्ते बाद जो रिपोर्ट देगा वो प्रोबेशन ऑफिसर देगा। प्रोबेशन ऑफिसर मॉनिटर करेगा कि इस जुवेनाइल कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा और कितने अच्छे तरीके से वो नहीं कर रहा। और इसी तरीके से प्रोबेशन ऑफिसर का काम होता है कि उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखे, किसी भी किस्म की गड़बड़ होती है उसने रिपोर्ट करना है और कोशिश करना है कि अगर जुवेनाइल को किसी भी किस्म की सोशल सर्विसेज नहीं मिल रही तो सोशल सर्विस उसको ढूंढ के भी देनी है। तो ये चंद ऐसी चीजें हैं जो कि आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के कोर्ट्स के अंदर आती हैं, विच आर नंबर वन, आपने जब कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, आप जज के बारे में बात करेंगे, आप ट्रायल के बारे में बात करेंगे और आप प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जुवेनाइल्स को प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है।
जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो वी हैव द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट ऑफ 1897. रिफॉर्मेटरी एक्ट ऑफ 1897 ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स को एम किया गया था, और इसके अंदर ये था कि जो भी बच्चे 15 साल से कम उम्र के अंदर होंगे उनको प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनको एक स्कूल में भेजा जाएगा जिसको रिफॉर्मेटरी स्कूल कहते हैं. मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि जुवेनाइल्स का मकसद से उनको पनिश करना नहीं होता, बल्कि उनकी रिफॉर्मेशन होती है या उनकी रिहेबिलिटेशन होती है. तो रिफॉर्मेटरी स्कूल जो होते हैं वो बेसिकली जुवेनाइल्स को रिफॉर्म करते हैं इनटू गुड सिविलियंस. तो ये वाला जो एक्ट था 1897 काफी पुराना एक्ट आया था. इसके अंदर मकसद ये था कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 15 ईयर से जो कम साल के बच्चे हैं, उनको आपने क्या करना है, प्रिजन में नहीं भेजना, बल्कि आपने उनको रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट के अंदर भेजना है. फिर हमारे पास था सिंध चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1995 एंड पंजाब यूथफुल ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस, ये भी आया था. इसका भी मकसद था टू अकोमोडेट बोथ जुवेनाइल ऑफेंडर्स एज वेल एज होमलेस चिल्ड्रन हु हैव कमिटेड स्टेटस ऑफेंसेस. हमने पढ़ा कि स्टेटस ऑफेंसेस क्या हैं. तो ये दोनों जो थे ये समवॉट सेम ही थे, जिसके अंदर जो जुवेनाइल्स हैं या होमलेस लोग हैं, बच्चे हैं जो कि जो कि स्टेटस ऑफेंस कमिट करते थे, उनको जो है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू प्रिजन उनको स्पेसिफिकली डील किया जाता था. एक ही इंस्टीट्यूशन था ये यूजली, जो कि कराची के अंदर होता था एंड एक्सेट्रा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर तीन चीजें थी, हमने पुलिस के बारे में बात की, हमने कोर्ट्स के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे करेक्शन. करेक्शन क्या होती है? जब हमने शुरू में पढ़ा कि क्रिमिनोलॉजी क्या चीज होती है, हमने पढ़ा कि क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल, रिजॉल्विंग दैट क्राइम एंड एक्सेट्रा. रिजॉल्विंग दैट क्राइम का मतलब क्या है कि आपने कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि कल को जाके आप उस क्राइम को प्रिवेंट करेंगे. तो जब हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को पढ़ते हैं तो कोर्ट्स के बाद, पुलिस के बाद जो थर्ड चीज आती है वो आपके करेक्शनल मेथड्स आते हैं, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, कि अब क्राइम कमिट हो गया है, क्राइम कमिट करने वाला भी आ गया है, अब इसको रिफॉर्म करो, इसको वापस इसकी रिहेबिलिटेशन करके इसको सोसाइटी के अंदर दोबारा इंड्यूस करो और इसको एक गुड सिविलियन बनाओ. जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो जैसे कि आपका बॉस्टल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ज्यादातर. जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपका था सिंध बॉस्टल स्कूल एक्ट ऑफ 1955, जिसके अंदर क्या होता था कि जो भी जुवेनाइल होता था, जब वो कोर्ट के अंदर उसको कन्विक्ट कर दिया जाता था कि इसने क्राइम कमिट किया है, तो उसको इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर भेजा जाता था तकरीबन 3 से 5 सालों के लिए, और वो क्या किया जाता था, वहां पे उनकी रिफॉर्मेशन की जाती थी. ये साइकोलॉजिकली होती थी, एजुकेशनली होती थी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो सेकेंड टाइप ऑफ करेक्शनल इंस्टीट्यूट आता है आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है. वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है कि जो जुवेनाइल्स होते हैं 18 से कम साल की उम्र के, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता है, उनको एजुकेशन दे के, उनको लेट सपोज कंप्यूटर का कोर्स करवा देंगे, उनको किसी ना किसी किस्म का ब्लू कॉलर जो जॉब्स होती हैं लोअर क्लास के अंदर, जैसे कि प्लम्बिंग होगी, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, इस तरीके की चीजें उनको सिखा दी जाती हैं कि जब वो जेल के अंदर से अपना टाइम पूरा करके जाएंगे तो कम से कम उनके पास कोई ना कोई स्किल सेट हो. जब उनके पास स्किल सेट होगा तो वो सोसाइटी के अंदर जाके काम कर सकेंगे. तो उनको करेक्ट किया जा रहा है, इस तरीके से उनकी रिफॉर्मेशन की जा रही है कि कल को वो सोसाइटी के अंदर जाए तो अगर वो उनके पास पैसे की जरूरत हो तो वो दोबारा क्राइम ना कमिट करें, बल्कि ये हुनर इस्तेमाल करके काम काज ढूंढ करके अपनी मंथली इनकम बनाए. फिर उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं. हमने जैसे कि पढ़ा है कि क्राइम कमिट करने वाले हमेशा लाजमी नहीं कि सोशियोलॉजिकल रीजंस की वजह से कर रहे हो. कुछ ऐसे जुवेनाइल्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होते हैं, और अब होता ये कि अब उनको आपने किस तरीके से करेक्ट करना है, उनके साइकोलॉजिकली सेशंस होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होती है, उनका बाकायदा साइकेट्रिस्ट के साथ सेशंस लगा के उनको रिफॉर्म किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड एक्सेट्रा. तो व्हेन वी स्टडी द एंटायर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम,
we talked about the police, we talked about the courts, and then we talked about the correction. जब आप इन तीनों चीजों को मिलाते हैं आपके पास पूरे का पूरा juvenile justice system आता है. So this was like a short lecture, and before we go, let's wind it up. We talked about what is juvenile delinquency. हमने उसके अंदर इस्लामिक परस्पेक्टिव को पढ़ा. हमने उसके बाद इसको एसोसिएट किया juvenile delinquency को विद रिस्पेक्ट टू थियोरेटिकल frameworks, जिसके अंदर हमने सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव को पढ़ा, हमने साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव को पढ़ा. फिर हमने क्या किया कि हमने juvenile law को पाकिस्तान के लिहाज से एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर हमने JJSO को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया और हमने बाकी भी चीज़ें जो एक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया. फिर हमने स्टेटस ऑफेंस के बारे में बताया, हमने उसको रिलेट किया एडल्ट सिस्टम के साथ. देन वी टॉक्ड अबाउट जुवेनाइल स्टैट, और मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि अभी कमेंट्स के अंदर आप लोग मुझे ये बताएंगे कि पंजाब के अंदर वो कौन सी ऐसी सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं जिसकी वजह से पंजाब के अंदर क्राइम ज़्यादा और बलोचिस्तान के अंदर कम है. दिस वॉज लाइक अ टास्क. फिर हमने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को पढ़ा. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमने पुलिस का रोल पढ़ा, फिर हमने कोर्ट्स का रोल पढ़ा, और फिर हमने करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ा. सो दिस वॉज योर पार्ट वेयर वी कवर्ड द फर्स्ट टू सब टॉपिक्स ऑफ सेक्शन 2. विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर, और अब हम जो है पहले अपने उस टास्क को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है मैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को एंटरटेन करूंगा. Okay, people. So, please pose your questions, and if possible, आप लोग जो आपको टास्क दिए अगर आप वो भी कर लेते हैं, लेकिन it's not necessary. But then again, trying करने में कोई hard नहीं है. So please pose your questions if you have any questions, and I will entertain those questions. उसके बाद I'll end the session. क्रिमिनोलॉजी के नोट्स कैसे बनाए लास्ट में बता दें. जो क्रिमिनोलॉजी के नोट्स हैं, देखें मैं जो आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यू शुड नोट डाउन द थिंग्स, एंड वंस यू नोट डाउन द थिंग्स, जो आपने अगली चीज़ करनी है आपने एग्जांपल्स के साथ आपने स्टडीज पढ़नी है, आपने एग्जाम्पल्स उठानी है, उसके बाद आपने उसका कॉन्सेप्ट लिखना है टॉपिक का. टॉपिक का कॉन्सेप्ट लिख के आपने सिंपल उसकी एग्जाम्पल देनी है, उसका रेफरेंस देना है, और उसके पीछे इस तरीके से डिटेल नोट्स भी हो सकते हैं, वन लाइनर भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, इट सीम्स लाइक वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस. If you do, you have like 2-3 minutes. आप उसके अंदर मुझे question pose करें. तब तक I'll catch a breath. And if we have any questions, we'll entertain those questions and then we'll proceed with the with our lecture.
Abdul Nafe Khan. Yes, it is a good book. मोस्टली आपका ये कोर्स कवर कर देगी, लेकिन इसके अंदर सेक्शन वन और सेक्शन टू काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर आप इस बुक को रेफ़र करते हैं सो इट्स अ गुड बुक. लेकिन देन अगेन मैं आपको कहूँगा कि इसको इंटायरली मत रेफ़र करिएगा, इंटरनेट की भी हेल्प लीजिएगा. लेकिन यस, फॉर नाउ इट्स अ गुड बुक. Okay, Rajab Mir has come up with an answer. Yes, true. This is one sociological aspect. ऐसे कि आपने social control, ठीक है, social institutions की आपने बात की. Very good. That's a good perspective. So yes, we could say that in Punjab they are weak as compared to Balochistan. So इसलिए crime भी commit होता है. Good attempt, Rajab Mir. Okay, I guess we do not have any more questions, and so I will end this session, and I hope you guys understood what the whole lecture was about. If you have any recommendations, please do comment them, and please also give your feedback. I will upload the slides up in a separate post. So have a good day, everyone. Take care. Allah Hafiz.